हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का रहने वाला है और बीएससी फिजिक्स में हमारा यूनिट टू चल रही थी और वो यूनिट टू भी लगभग आधी ख़त्म। अब तक जितनी भी वीडियो हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत कम है यूनिट टू में, और जो भी हम करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और बेहतरीन चीज़। ऐसे ही आज कई सारे प्रूफ मैं आपको कराऊंगा और इनमें से आपको एक प्रूफ डेफिनेटली पेपर में आपको मिलेगा। क्या है? प्रूव दैट डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर फाई, या इस यही प्रश्न इस तरीके से आ जाता है। डेल वेक्टर यानी कि ये डेल है डॉट डेल वेक्टर और ये फाई इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर, समझ गए चीज को। तो अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन ना लो बिल्कुल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे मैं आपको बातें बताता हूँ। पहले हम ये चीज़ ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं LHS ले ले रहा हूँ, LHS यानी कि मैं ये चीज़ दी होती डाइवर्जेंस ग्रेड फाइव इस तरह से, ठीक है। तो मतलब क्या डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये रहेगा यही। देखिए ग्रेड का मतलब क्या है कि इसके साथ में ये फाइव जुड़ा होगा, और डाइवर्जेंस लगा हुआ है तो मतलब क्या है कि ये जो डेल ऑपरेटर है ये डॉट के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर कर्ल लिखा होता है तो मतलब क्या है कि ये डाइवर्जेंस ये डेल ऑपरेटर इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा होता, बात वही है। ग्रेड का मतलब क्या है कि ये जो आपका ये ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी कि इसके साथ में सीधे सीधे ये जुड़ा हुआ है बिना किसी डॉट और क्रॉस के, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, इसकी अब ये सारी की सारी वैल्यू लिख दीजिएगा। पहले इसको आप अलग रखिएगा, पहले इस चीज़ को सॉल्व करो इसको, ठीक है। ये डॉट है, चलो इसको भी लिख दो, सीधे सीधे लिख देंगे। क्या इसकी वैल्यू? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो गया। इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही इसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन इसके साथ में ये फाई जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ये अकेला था तो ये आया, लेकिन इसके साथ में फाई लगा हुआ है तो यहाँ यहाँ पे फाई फाई फाई, यदि यहाँ पे ए होता तो यहाँ पे ए ए ए आ जाता, तो इसके साथ में फाई है तो ये फाई आ गया, ठीक है। चीज़ें सीखने में आ रही हैं सारी चीज़ें, चलिएगा। अब इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा आई वाले की आई वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वेयर फाई, डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस ऐसे ही डेल वाई की यानी कि डेल वाई आई कैप जे कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट करनी है डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, जे कैप के जे कैप में करते हैं तो वन आ जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इस तरीके से आ जाएगा। तो वही चीज़ इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस ऐसे ही डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वेयर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फाई इसमें से कॉमन ले लेंगे तो डेल स्क्वेयर डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर, इसके ब्रैकेट से मैंने ये फाई मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जैसे डेल की वैल्यू ये होती है, डेल वेक्टर की वैल्यू ये होती है, जब इसका स्क्वेयर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी, डेल स्क्वेयर ये हो जाएगा फाई। यही चीज़ तो लेकर आनी थी डेल स्क्वेयर फाई, यही चीज़ आपकी क्या है RHS है, RHS प्रूव्ड, यही चीज़ तो हमको प्रूव्ड करनी थी। LHS लेकर चले एक चीज़ और ये दूसरी चीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। समझ में आई चीज़ है, नहीं समझ में आई तो आप हमको बता सकते हो। अब यहीं से एक चीज़ आती है आपकी लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, ये डेल स्क्वेयर यानी कि डेल स्क्वेयर जिसकी वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वेयर अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल वाई स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर अपॉन डेल जेड स्क्वेयर, यही आपका कहलाता है लाप्लासियन ऑपरेटर,
लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है? द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर डेल, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ऑपरेटर डेल इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर। यदि आपसे कोई पूछने लगे कि लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये जो आपका ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका डेल ऑपरेटर, ऑपरेटर डेल। तो इस ऑपरेटर डेल का हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, या आप क्या कर दो इसका इसका स्क्वेयर कर देंगे, तो वो किस तरीके से निकलेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाएगा, यानी कि ट्विस। ठीक है, तो यही आपका लाप्लासियन डेरिवेटिव कहलाता है, यानी कि आपका लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, आगे चीज को सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है डाइवर्जेंस कर्ल ए, आपका प्रूफ करवाने के लिए आएगा डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है जीरो, या आपका इस तरीके से आ सकता है किस तरीके से कि डेल ऑपरेटर डेल क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये आपसे पूछ सकता है। देखिएगा डाइवर्जेंस का मतलब यह है ऑपरेटर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, कल का मतलब यह है कि ऑपरेटर डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए है तो ए आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा वही काम करते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं, एलएचएस एलएचएस आपकी क्या है, एलएचएस है आपकी डाइवर्जेंस कर्ल ए वैक्टर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका डेल ऑपरेटर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम मान के चलें, पहले हम इस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, इस चीज़ की और इस चीज़ की वैल्यू निकाल कर फिर ये आगे करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कुछ मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एल एच एस इसको इक्वेशन वन मान ले रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेयर आपका ये ऑपरेटर डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ऐसे ही ए वेक्टर को हम किस तरीके से मान ले रहे हैं, ए वेक्टर भी आपका तीन रूप में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो ये आपका दे रखा होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हालांकि चाहे ये वैल्यू जीरो हो, मान लीजिए तीन आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस पाँच के कैप इस तरीके से दे रखा होगा ना ये ए वेक्टर भी, तो मतलब ये आपका ए एक्स आई कैप हो जाएगा, ये आपका ए वाई जे कैप हो जाएगा, ये आपका ए जेड के कैप। मान लीजिए ये चीज ना दे रखी हो तो इसको जीरो के कैप कह सकता हूँ, तो यहाँ पे जीरो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक वेक्टर होता है तो वेक्टर का रूप यही होता है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। तो हम जनरल मान के चल रहे हैं, एज ए जनरल हमको ये प्रूफ करना है, तो एज ए जनरल हमने ये दोनों चीज़ मान ली। जब दो चीज़ की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, आप लोग देखिएगा, डेल और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमको डेल क्रॉस ए, तो किस तरीके से करते हैं, इस तरह से लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इसका आई आई का गुणांक लिखेंगे, क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, इसका लिखेंगे डेल अपॉन डेल वाई, इसका लिखेंगे डेल अपॉन डेल जेड, डेल जेड यहाँ पर, इसका लिखेंगे आई का गुणांक एक ए ए एक्स ये ए बाई ए जेड, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई, ये हो जाएगा आपका ए जेड। चलिएगा किस तरीके से करते हैं, हम आई कैप पहले ले लेंगे, आई कैप ले लेंगे, ये वाली चीज़ छुपा लेंगे तो क्या बचेगा डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे बचेगा ए वाई, और ये इस तरीके से डेल जेड, डेल जेड सॉरी डेल जेड अपॉन ए जेड, फिर बीच का माइनस माइनस लेंगे ये जे कैप, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, और ये बचेगा डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन जेड डेल ए जेड, फिर ये प्लस का बीच वाला हमेशा प्लस में लेंगे, क्या चीज़ बचेगी आपकी, इसको छुपा लेंगे तो डेल डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, और इसको छुपा लेंगे डेल, इसको मिटा दूँ, ये आपका डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, इस तरीके से आपका बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आई कैप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल वाई ए जेड
माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल जेड अपॉन ए वाई, माइनस ए हो जाएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स ए जेड, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स, ठीक है, प्लस प्लस के कैप, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स, ये आ जाएगा। अब देखिएगा, क्योंकि ये ए जेड है, ए जेड यानी कि ये जेड अक्ष वाला है, और इसमें आपका देखिएगा ए जेड है और ये वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी भी, याद रखिएगा वाई को छोड़कर यहाँ पर सारी चीज़ें इसके लिए कॉन्स्टेंट मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये वाई होता तो इस ए जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये अपने आप में कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और आप ऐसे समझो, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारी यहाँ पर 5, 6, 7 जो भी वैल्यू आएगी वो कॉन्स्टेंट मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड है, ऐसे समझो ये जेड, ये वाई, तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन तो जीरो हो जाएगा, तो ये आई कैप, ये पूरा टोटल आपका जीरो आ जाएगा। ये भी वाई का रेस्पेक्ट, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, तो ये जीरो आई कैप, सीधी सीधी बात। ऐसे ये जीरो, ये भी जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, इसका करेंगे ये जीरो, तो ये भी आपका जीरो। और ऐसे ही ये वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे जीरो, और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, यानी कि ये भी जीरो के कैप। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्रॉस ए वेक्टर, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है, ये जीरो आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या थी, LHS इज इक्वल टू ऑपरेटर डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर। अब ये वैल्यू आपकी पूरी की पूरी जीरो आ गई, तो इसके साथ में जब मल्टीप्लाई में जीरो की करूँगा तो ये टोटल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यही चीज़ आपकी RHS है, यही चीज़ आपकी RHS है प्रूव, यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी, ये जीरो जीरो हो गया। चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे आपको कराता हूँ मैं, इसको कर लीजिएगा बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे करेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको कीजिए, ठीक है। इसमें अगला वाला जो प्रश्न है मैं यहीं से इसको जोड़ दूंगा ताकि मेरी एक लाइन बच जाएगी। देखिएगा कर्ल ग्रेडियंट फाई क्या है, आपको ये प्रूफ करना है, कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू जीरो, या इस तरीके से कर्ल का मतलब क्या है, इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसके साथ में आपका बिना किसी ऑपरेटर के साथ, तो ये बराबर आपको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको जीरो प्रूफ करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, दोनों का हमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो LHS ले रहे हैं, LHS क्या है, डेल ऑपरेटर क्रॉस डेल फाई, ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसी तरीके से डेल फाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, ये हो जाएगा। हमें क्योंकि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसकी, इसकी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी, इस तरीके से डेल वेक्टर इनटू डेल फाई। तो देखिए डेल की जो वैल्यू है आई कैप, ये डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आई जेड, और इसकी आई का गुणांक डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन, तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये, तो ये कितनी आ जाएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड, इसी तरीके से आ जाए। ऐसे ही आई लेंगे बाहर तो इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से छुपाएंगे डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड आ जाएगा। इसी तरीके से इसको छुपाएंगे जे वाले को, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और ये आपका आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से ये वाला आएगा, इसको छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और इसको
इसको छुपा लेंगे तो ये डेल फाई अपॉन डेल वाई ये आ जाएगा। अब बात वही आएगी, ये इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, इस तरीके से आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये, फिर माइनस का जे कैप, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल डेल की डेल में करेंगे डेल स्क्वेयर फाई ऊपर वाला एक्स वाई है एक्स जेड आ जाएगा एक्स और जेड, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, इस तरीके से आ जाएगा। फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वेयर फाई अपॉन एक्स और वाई डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है क्या, डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, डेल स्क्वेयर फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, दोनों सेम सेम हैं, जब सेम सेम है तो दोनों की इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये जीरो आई कैप बचेगा। ऐसे ही ये देखिए नीचे एक्स वाई एक्स जेड डेल स्क्वेयर फाई इससे ये कट जाएगा तो जीरो जे कैप बचेगा, ऐसे ही इससे ये कट जाएगा तो ये जीरो के कैप बचेगा, कुल मिला के ये जीरो आ गया ये चीज़। और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी, यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी, देख लीजिए बराबर जीरो प्रूफ्ड, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हो गया प्रूफ्ड, है ना, एकदम लल्लन टॉप सवाल आ रहे हैं ना एकदम मज़ेदार। चलिएगा अब जो आ रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, अब जो आ रहा है ये बहुत ख़तरनाक है, इसको करेंगे तब आप मान लीजिए कि हाँ आपको कुछ सीखने में आया है, कुछ समझ में आया है चीज़ें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिएगा बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए बाकी ये वाला जो है मैं आपका अगली वीडियो में कराऊंगा, आपको देखिएगा एक बड़ा सा है मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये काफ़ी समय लग जाएगा इसको कराने में, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है अगली वीडियो में, ताकि अच्छा लगेगा आपको। कर्ल कर्ल ए वेक्टर क्या है ये प्रूफ करना है आपको, कर्ल कर्ल ए वेक्टर इजकल टू, ये आपको प्रूफ करना है। माइनस डेल स्क्वेयर ए वेक्टर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको चीज़ें प्रूफ करनी है, या कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता आ जाता है आपका, डेल क्रॉस डेल ए वेक्टर डेल फिर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से बराबर आपसे प्रूफ करवाएगा। ग्रेड डाइवर्जेंस ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वेयर ए वेक्टर, इस तरीके से, या इसका मतलब ये है, ये पूरा का पूरा, या तो ये बराबर ये दे दे, या ये बराबर ये दे दे, या ये बराबर ये दे दे, या ये बराबर ये दे दे, आपका मतलब चार प्रश्न टाइप के बन रहे हैं यहाँ से, तो चारों में से आपका कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप समझ जाना, यानी कि ये बराबर ये आपका दे तब भी एक ही चीज़ है, ये बराबर ये दे तब भी एक चीज़ है, ये बराबर ये दे दे तब भी एक चीज़ है, ये बराबर ये दे दे तब भी एक चीज़ है। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये काफ़ी बड़ा है प्रूफ, तो इसको मैं कराऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।